नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। तो 24 लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए काफ़ी चौंकाने वाले थे, क्योंकि पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी नीचे रह गई। बीजेपी जो चुनाव से पहले ये दावा किया करती थी कि उसकी खुद की 370 से ज़्यादा सीटें आएंगी और एनडीए 400 पार होगा, वो पार्टी सिमट कर 240 पर रह गई और अन्य साथी दलों के की मदद से बीजेपी जो है वो इस वक्त एनडीए की सरकार में शामिल है। लेकिन ये आंकड़े जब आए तो उसके बाद राजनीतिक गलियारों में बीजेपी की इस हालत के कई कारण जो हैं वो गिनाए जाने लगे। एक जो बड़ा कारण उसमें जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई वो ये कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आरएसएस ने बीजेपी का किसी भी तरह से कोई साथ नहीं दिया। जो आरएसएस के कार्यकर्ता पिछले कई चुनावों में, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद हो रहे विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए जितने भी विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से आरएसएस ने उसमें बीजेपी का साथ दिया, उस तरह से आरएसएस ने जोरों शोरों से बढ़ चढ़कर बीजेपी का साथ नहीं दिया। ये बात भी कही गई कि इसलिए हुआ क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोई समन्वय नहीं बैठा। जो बैठकें होती थी उस तरह की कोई बैठक नहीं हुई। आरएसएस ने कई बार बीजेपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो नेता हैं, जो बीजेपी के अपने खुद के नेता हैं, उनका यह मानना है कि पार्टी घमंड में काफ़ी थी और उस घमंड की वजह से पार्टी ने आरएसएस के नेताओं का जो फीडबैक है वो लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अब ये खटास, अब ये दूरी धीरे धीरे खत्म होती हुई नज़र आ रही है, खटास मिटते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही 1100 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी का पहले राष्ट्रीय मुख्यालय था, वहाँ पर एक मैराथन बैठक हुई। इस मैराथन बैठक में आरएसएस और बीजेपी के जो टॉप फंक्शनरीज हैं उन सभी ने हिस्सा लिया। ये बैठक हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर हुई और इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई कि कैसे चुनाव में आगे बढ़ना है, कैसे बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बिठाना है और कैसे लोगों तक बीजेपी के एजेंडे को लेकर जाना है। इससे पहले जब चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त जो पन्ना प्रमुख, जो आम तौर पर आरएसएस की तरफ से आते हैं, वो नदारद रहे और उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक इंटरव्यू भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी को उसकी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद ही सशक्त है। और उस इंटरव्यू के बाद हमने ये भी देखा कि कैसे इस पर काफ़ी रिएक्शंस भी आए। जो विपक्षी दल हैं उन्होंने ये कहा कि अब आरएसएस और बीजेपी के बीच में किसी तरह का कोई समन्वय नहीं है और बीजेपी और आरएसएस के बीच में खटास की वजह से हमने ये भी देखा कि पार्टी को कई जगह मुंह की भी खानी पड़ी। लेकिन अब धीरे धीरे जो खटास है वो मिटती हुई नज़र आ रही है, ना सिर्फ हरियाणा को लेकर अब आरएसएस और बीजेपी के बीच में बैठकें हो रही हैं, बल्कि अब आने वाले अन्य जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर भी आरएसएस और बीजेपी के बीच में बैठक हो सकती है, ताकि समन्वय बिठाया जाए और दोनों जो संगठन हैं उनके बीच में बातचीत हो, कार्यकर्ताओं के बीच में बातचीत हो, पन्ना प्रमुख जो नदारद रहे 2024 लोकसभा चुनाव में वो फिर से सक्रिय हों और पार्टी के लिए वो काम करें। पन्ना प्रमुख बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पन्ना प्रमुख को ये जिम्मेदारी दी जाती है, जो अमूमन आरएसएस से आते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जो किसी भी राज्य में कहीं पे भी चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर सबसे निचले स्तर तक जाकर, जो मंडल स्तर तक होता है, वहाँ पर जाकर लोगों से मिलें, वहाँ पर कुछ परिवारों से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि वो परिवार जो है वो पार्टी के लिए यानी बीजेपी के लिए वोट डालें। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया और पार्टी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन अब बीजेपी ने अपने सारे जो गिले शिकवे थे आरएसएस से वो दूर कर लिए हैं और ये देखा जा सकता है कि कुछ दिनों में आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक बेहतर समन्वय होगा और उसके बाद इसका अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। और इसीलिए आरएसएस और बीजेपी के बीच में कई समन्वय बैठकें जो हैं वो लगातार हो रही हैं। हालांकि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात को नकारते रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में किस तरह की कोई दूरी है, लेकिन दूरी होने की वजह से ही बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी। ये बीजेपी के ही कुछ जो अन्य नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं पार्टी के अंदर, उनका यह मानना है। लेकिन अब उनका ये भी मानना है कि अगर आरएसएस के साथ फिर से संपर्क साधा जाता है और उनके साथ समन्वय बैठाया जाता है तो पार्टी को इसका फायदा भी ना सिर्फ विधानसभा चुनाव में होगा बल्कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा आज तक के लिए।